हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ सभी का पसंदीदा गाजर का हलवा। तो आइए देखते हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। मैंने लिया है गाजर, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। 1 किलो के करीब मैंने ये गाजर लिया है, उसे कद्दूकस किया है मैंने। और घी 1 बड़ा चम्मच लिया है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू और बादाम लिए हैं, उन दोनों को टुकड़े कर लिए मैंने। चीनी स्वाद के अनुसार चीनी लेंगे हम। और मिल्क लिया है, जिसमें मलाई वाला मिल्क है। हलवा बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसे गैस पे रख दिया है। मैं गैस ऑन कर लेती हूँ और थोड़ी देर हम कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम इसमें घी डाल देंगे। घी हमारी थोड़ी पिघल जाए, फिर हम इसमें गाजर डाल देंगे। ये घी पिघल गई है, अब कद्दूकस किया हुआ गाजर हम इसमें डाल देंगे। अब हम इस गाजर को घी के साथ भून लेंगे, अच्छे से हम चलाते रहेंगे। अभी गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी है, बाद में हम इसको लो कर देंगे। ये गाजर का हलवा खाने में बहुत टेस्टी आता है, बच्चों को भी बहुत पसंद होता है। तो सर्दियों के मौसम में आप इसे बनाइए, सर्दियों में गाजर बहुत हलवे वाला गाजर मिलता है, तो अच्छे से आप बना सकते हैं। तो इसे बना के आप ट्राई करिए। देखिए, ये गाजर मैंने भून लिया है 5 मिनट तक, और पहले से देखिए कम हो गया है। अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी और दूध, फिर ढककर हम इसे पका लेंगे। चीनी हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, जितना मीठा आप खाना चाहते हैं उतना चीनी आप डाल देंगे इसमें। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ, अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें चीनी और दूध सभी चीज़ों को एक ही साथ डाल दिया है, और फिर इन चीज़ों को डालकर मिक्स कर लिया अच्छे से। तो इसे अब मैं ढककर पका लूँगी। इसमें आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, एक ही साथ मैंने सारी चीज़ें डाल दी है, तो ये अच्छे से पक जाएगा और एकदम टेस्टी स्वादिष्ट गाजर का हलवा बन जाएगा। अब मैं ढककर इसको स्लो आँच पे 15 मिनट पका लूँगी। चलिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं, हम अपने हलवे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा हलवा जो है वो गल गया है पहले से, लेकिन अभी दूध है तो हम थोड़ा सा गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, क्योंकि अभी तक मैंने धीमी आंच पे इसे पकाया था, तो अब थोड़ा हाई कर देंगे और दूध को और पका लेंगे। और इसमें मैं ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ, काजू, बादाम। इसमें मैंने 2 ही ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया है, आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं। अब इसे ऐसे धीरे धीरे चलाकर 5 मिनट और पका लेंगे हम, तो हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। देखिए, ये बहुत ही आसान तरीका है हलवा बनाने का। इस तरह से आप हलवा बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा गाजर का हलवा बनकर रेडी हो गया है। दूध हमारा गाजर के साथ अच्छे से मिक्स होके अच्छे से हलवा हमारा बन गया। अब गैस बंद कर देंगे और हलवे को एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गाजर का हलवा तैयार हो गया है। अब मैं इस पर ड्राई फ्रूट डाल लूँगी। आप इस गाजर के हलवे को सर्दियों के मौसम में बनाइए, मार्केट में गाजर आसानी से मिल जाता है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।